अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं बिलाल शेख और वेलकम करता हूँ आपका बजट इन्फो पे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे समर सीड मिक्स पे कि इसमें कितनी सीड मिक्स होनी चाहिए और किस तरह से मैं ये सारी आपको सीड मिक्स नज़र आ रही है, ये सनफ्लावर और ये कनेरी वगैरह, ये सारी आपको सीड मिक्स नज़र आ रही है, वो बाजरा नज़र आ रहा है। तो इसमें आज आपको बताता हूँ कि मैं कैसे किस तरह से ये बड़े सेटअप की सीड मिक्स बनाता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने वेट मशीन रखी हुई है और इसके हिसाब से मैं इसमें जो है वो दाना वगैरह डालूंगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से डालता हूँ। अच्छा जी, ये बाजरा है और ये मैं इसमें डालूंगा 10 किलो। ये 10 किलो बाजरे के अंदर मैं क्या मिक्स करता हूँ ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इसमें 10 किलो बाजरा डालूँगा, 10 किलो बाजरा इसमें मैं डालूँ। ठीक है, इसको उस पर वेट मशीन पे रख के देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये बस ठीक है ठीक है, ये तकरीबन 10 किलो हो गया पूरा। बस ठीक है, तो 10 किलो हो गया। इसको मैं एक बड़े बर्तन में मैं डाल देता हूँ। अच्छा जी, ये बड़े बर्तन में मैंने इसको डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं बाकी सीड मिक्स करूँगा। ये है जी सूरजमुखी, ये मैं इसमें 1 किलो और 250 ग्राम मैं ऐड कर रहा हूँ। बस ठीक है, सूरजमुखी गर्मियों में ये थोड़ी देनी चाहिए, ये आप इसका खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरजमुखी जो है वो मैं किस हिसाब से दे रहा हूँ। तो जिसमें जिसने थोड़ा यूज़ करना वो उसी हिसाब से देते। 10 किलो बाजरे में मैंने 1 किलो और 250 ग्राम सूरजमुखी डाल दिया है। अच्छा जी, ये खुरदुम है, ये भी मैं डालूँगा इसमें 1 किलो और 250 ग्राम। पूरा हो गया 1 किलो 250 ग्राम। इसको मैं इसको भी इस बड़े बर्तन में मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, जब भी मैं इसमें डाल रहा हूँ 2.5 किलो, जब भी इसमें मैं 2.5 किलो ऐड करूँगा। ठीक है जी, 2.5 किलो हो गए, जब भी इसमें मिक्स कर दो। अच्छा जी, ये भांग के बीज हैं, ये भी हम 2.5 किलो ऐड करेंगे इसमें। ये भांग के बीज इसमें ऐड कर दिए 2.5 किलो। अच्छा जी, ये कंगनी है, ये आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊँ, ये कंगनी है, ये ऐड करेंगे जी 3 किलो इसमें। ये मैं आपको 10 किलो बाजरे के हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आप ये कंगनी भी इसमें ऐड कर दी है। अच्छा जी, ये कनेरी है और ये हम इसमें ऐड करेंगे जनाब 5 किलो। ये 5 किलो कनेरी हम ऐड कर रहे हैं इसमें। ये कनेरी ऐड होगी दाने में। अच्छा जी, सारे जो हमने ये सीड मिक्स बनाई है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये इसकी सीड मिक्स तैयार हो गई है और ये मैं सारे अपने रेड आइस को अपने जो मेरे एग्जीबिशन हैं, कॉकटेल्स और जो लव बर्ड्स हैं, मैं सबको यही सीड मिक्स मैं दे रहा हूँ। और मैं ये दे रहा हूँ और आप लोगों का, क्योंकि जो जिसका छोटा सेटअप है वो इसमें थोड़ी सी कमी पेशी कर सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को 1 किलो बाजरे के हिसाब से, मैंने परसेंटेज नहीं बताई लेकिन केजी के हिसाब से बता दिया है। तो जो 1 किलो बाजरे में कर रहा है वो उस हिसाब से करें इसको। और उसके अलावा जो है, अगर आप लोगों का टेम्परेचर है मतलब ज़्यादा है, जैसे 35 to 40 है, तो आप खुरदुम की और सनफ्लावर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो ये जनाब सीड मिक्स सारी रेडी हो चुकी है और यही अब मैं सबको डालूंगा। तो इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।